हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअली मेरा छोटा सा एक बिजनेस है, मतलब हमारा है, पूरा मामा लोगों का है, जो कि सेफ्टी टैंक का, जो शौचालय टैंक का जो रिंगा होता है कुछ ये, तो इसका जो है मेरा छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस भी है घर पर। तो आपको मैं आज उसका पूरा प्रोसीजर दिखाऊँगा कि कैसे लगता है, कैसे बनता है और क्या प्रोसीजर है, कितने में कहाँ लगता है। तो पूरा का पूरा जो है मैं आप लोगों को कवर करके बताने वाला हूँ। तो ये है हम लोगों के गांव की ज़मीन जहाँ पे हम लोग अपना छोटा सा बिजनेस डाल चुके हैं। तो ये हमारा प्लॉट है जिसपे कि हमारा लोगों का पूरा रिंगा का और पिलर का काम होता है। तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। तो ये पिलर है जो कि अभी हाल में ही ढला हुआ है, इतना सारा ऑर्डर आया हुआ है तो इसी का तैयारी चल रहा है। ये पूरा पिलर है और ये पूरा का पूरा 5 फीट का पिलर बनाया गया है इस साइड में, जो कि आप लोग देख रहे हो। कुछ ऐसा सा हम लोगों का थोड़ा सा गरीब खाना है जिसमें हम लोग अपना छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं। तो चलिए आपको कुछ बीरोल्स दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ये है, यही रिंगा है जो कि अभी हाल में खुला हुआ है। और अभी देखिए गाड़ी में हम लोग जो है पुराना रिंगा जो है लाद करके ले जा रहे हैं, ऑर्डर के लिए आया हुआ है। तो वहाँ पे मैं चल रहा हूँ, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कैसे लगता है। और यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन चल रही है। ये टीने का जो है ढांचा बनाया गया है जिसमें कि रिंगा सीमेंट को डालते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। तो कुछ ऐसा सा ये पूरा प्रोसीजर है, आपको देखना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा। और ये हमारे जो है रिंगा का ढक्कन है जो कि जब पूरा गड्ढे में चला जाता है तो उसके ऊपर से इसको रख करके उसको ढक देते हैं, फिर माटी से उसको पाट के बराबर कर देते हैं, जो कि भी मिस्त्री लोग जो है उखाड़ करके इसको जो है, देखिए मिट्टी चिपकी होती है इसमें, तो इसको जो है अभी फावड़े से मिट्टी साफ़ करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग लेके जाएंगे अपने साइड पर जहाँ पर हम लोगों को लगाना रहता है। अब जो है रिंगा हमारे लोगों का गाड़ी पे लग चुका है और इसकी कसाई चल रही है। तो चलिए अब चलते हैं साइड पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं पूरा गड्ढा कैसे खोदते हैं, कैसे इसको बैठाते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस। अभी जो है यहाँ पे हम लोग अपना रिंगा जो है पॉली से डाउन कर रहे हैं, जब नीचे उतर जाएगा तो ये गड्ढा खुद रहा था बट थोड़ा सा फावड़े में दिक्कत आ गई, जिस वजह से अभी इसको काम को स्थगित किया गया है, फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। फावड़ा मंगवाया गया है घर से, तो ये इतना सारा का सारा जो है अभी यहाँ पे लगेगा, उसकी पूरी प्रोसीजर मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊँ। तो यहाँ हम लोगों का मतलब 20 फीट का ऑर्डर है, तो ये 10 फीट उधर रहेगा और 10 फीट इधर रहेगा। तो इधर वाला गड्ढा तो स्टार्टिंग से ही खुद रहा है काफ़ी देर से, तो इस वजह से ये कुछ हो गया। अभी इसको मेजरमेंट करके अब इस वाले गड्ढे को तैयार किया जा रहा है। और बाकी इधर पूरा का पूरा हम लोगों का ये रिंगा आ चुका है, ये रिंगा होता है। तो अभी पूरा का पूरा आपको मैं लगवा करके पूरी मेकिंग आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगता है, क्योंकि बहुत ही लो बजट में ये आपका शौचालय रेडी भी हो जाता है। तो उसके लिए गड्ढा जो है 10 फीट का गड्ढा होगा, तो पूरा पूरा गड्ढा मेकिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये गड्ढा जो है रेडी होना स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ बहुत ही परिश्रम का जो है काम है और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी कम बजट में आपका जो है ये बन भी जाता है, जो कि आपको अगर जानना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। तो अब जो है ये देख रहे हैं गड्ढा जो है ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुका है, ये 7-8 फीट जो है गड्ढा हो चुका है, बस 1 से 2 फीट और गड्ढा खनना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है डेंजरस दिखता है। ये देख रहे हैं भैया जो उतर नीचे से आ रहे हैं पानी उन्हें पीने के लिए, भी दिखाते हैं आपको कितना ज़्यादा जो है डेंजरस लगता है, ये कितना ज़्यादा गड्ढा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। अगर कोई गिर जाए अगर बाई चांस तो मुश्किल है कि उसकी जान बचे। देख रहे हो 10 फीट का होता है भाई साहब, एकदम डरावना सा होता है, इसमें लोग काम करते हैं। तो फाइनली जो है गड्ढा उड्ढा रेडी हो चुका है, अब जो है इसमें फाइनल काम होगा जो कि रिंगा डालने का काम है। तो अब देख रहे हैं वहाँ पे वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना जो है रिंगा डालने के लिए। तो अब देखिए वो रस्सी बांधेंगे, तो 3 लोगों की हेल्प से जो है एक एक करके रिंगा जाता है। तो कुछ ऐसा है, बहुत ही कम बजट में जो है ये काम हो जाता है, मोदी जी की जिस पहल से ये स्टार्ट हुआ उससे फिर काफ़ी जो है लो बजट में
आपका शौचालय रेडी हो जाता है, शौचालय का गड्ढा। नहीं तो लोग जो है कमरे के बराबर जो है, कहाँ बहुत ब्रॉड जो है इसका वो होता था काम, बट अब बहुत आसान हो गया, बहुत सस्ता, बहुत बहुत किफ़ायती काम हो गया ये। तो अब देखिए इसको डाल देंगे, उसके बाद ये बंद कर देंगे, बात ख़त्म। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, क्या है, बकवास है, कुछ भी हो आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दो यार। और अगर फूल मेकिंग देखना है तो कमेंट करो, मैं उसको भी लेके आऊँगा, क्योंकि फैक्ट्री अपनी है, काम अपना है। तो देखिए ऐसे जो है अब ये भैया कूदेंगे इसके अंदर, उसको सही करेंगे पूरा, उसको बढ़िया से बाकायदा बैठाएंगे, उसके बाद एक के बाद एक डस्ट वैसे में इसमें लगा देंगे, जो कि आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। गड्ढे में जाने के बाद रिंगा जो है कुछ ऐसा दिखता है। अब जो है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कुछ ऐसा इसका व्यू है, पूरा पूरा कुआं लगता है, पुराने ज़माने का जो कुआं होता था वो भी कुछ ऐसा ही दिखता था। और अब इसमें जो है ये पूरा पूरा जो किनारे जगह जगह बची बाकी हुआ था जगह, उसमें मिट्टी भर के इसको पाट देंगे जो भी, ताकि मतलब कुछ खतरा ना हो। हो गया इतना काम रहता है। ये सब होने के बाद जो है ये सामने ढक्कन रखा हुआ है, इसको अब इसके गड्ढे के ऊपर रख दिया जाएगा, ताकि जो है कोई इसमें गिरे ना और बदबू भी ना आए। तो हो गया, ये गड्ढे में ऐसे ढक्कन रख दिया। अब पूरी तरीके से हमारा जो है शौचालय का टैंक रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर चाहे टट्टी करो चाहे हट्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है, काम संपन्न हुआ। तो दोस्तों जो है मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया, और एक गड्ढा मैंने पूरी तरीके से आपको दिखा दिया कि कैसे लगता है, क्या प्रोसीजर है, गड्ढा खोदने में कितना समय लगता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ठंडी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग अच्छे से रहिए और खूब पहन ओढ़ करके रहिए, ठीक है, बाय।